उत्कृष्ट स्कूल में प्रबंधन समिति की बैठक में आई समस्याओं को निराकृत करने के कलेक्टर ने दिए निर्देश। नगरपालिका के इंजीनियर ने जलभराव की समस्या और हॉस्टल में पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था को जल्द ही शुरू करने की कही बात। तभी तो कह रहा हूँ ये विद्यालय सबका विद्यालय है, तो मैं ये चाहता हूँ एक बार इसको इतनी ऊंचाई में जाकर लोग विस्तार विस्तार के नाम से पानी भर जाता है एक्सीलेंस स्कूल में, कलेक्टर साहब से भी आपकी चर्चा हुई है सर, क्या आश्वासन मिला और क्या करेंगे आज? आज शाला प्रबंधन समिति की मीटिंग माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में हुई। इसमें जो स्कूल में जो छोटी छोटी और सभी प्रकार जो समस्याएं थी उसके समिति अवगत जो भी उपरते थे उनको अवगत कराया गया। उसी क्रम में चूँकि यहाँ जो स्कूल परिसर में जाता है एक्सटर्नल स्कूल है, इस परिसर में जल भराव बरसात के समय जल भराव होता है, उसकी समुचित निकासी की व्यवस्था के लिए माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा तत्काल एक विस्तृत कार्ययोजना बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश के पालन में शीघ्र ही उसकी कार्ययोजना बनाई जाएगी। और उसी के क्रम में जो चूँकि यहाँ हॉस्टल बने हुए हैं स्कूल प्रबंधन स्कूल के लगभग उसमें 200 लोगों की बच्चों की स्ट्रेंथ है, वहाँ जो ग्राउंड वाटर है वो उसमें चूँकि लाल रेड आयरन की मात्रा ज़्यादा लग रही है, तो वो जो अपना वाटर ट्रीट फिल्टर प्लांट से पानी देने की मांग की गई है, कलेक्टर साहब ने वो भी निर्देश दिए हैं कि तत्काल इनकी पाइप लाइन डाल के इनकी जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, तो उसको भी शीघ्र ही उसको पाइप लाइन डाल के जल आपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी नगर पालिका। बरसात में पानी भर जाता है, हाँ इसमें नगर पालिका CMO साहब से मेरी बात हुई है, दो चीज़ें हम कराएंगे, एक तो हॉस्टल में नल नहीं है, मेरी आज CMO साहब से बात हुई, हम तत्काल नल कनेक्शन कराएंगे। और इसकी जो नाला जो पानी की आप समस्या बता रहे हैं केवल इसकी नहीं है, इसके साथ साथ जितने भी अन्य 7-8 हमारे जो बिल्डिंग हैं या संस्थाएं हैं उन सभी की है, तो उसका एक विस्तृत सर्वे करा करके कैसे पानी निकासी हो सकती है इसका हम एक प्रबंधन कराएंगे।